नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में कई दिनों तक चले सियासी बवाल के बाद अब सत्ता शिंदे गुट के हाथों में आ गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने वाले तमाम बागी विधायक भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं। खुद सीएम एकनाथ शिंदे उन्हें लेने गोवा पहुंचे थे, जिसके बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा को 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद सोमवार 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा स्पीकर के चुनाव में शिंदे गुट को जीत हासिल हुई है। बीजेपी से उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बन चुके हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन वोटिंग के जरिए स्पीकर के लिए वोटिंग हुई। एक एक विधायक से उनका मत पूछा गया, जिससे शिंदे गुट एमवी गठबंधन पर भारी पड़ा। इस जीत के बाद अब सोमवार 4 जुलाई को शिंदे गुट को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। आइए बताते हैं आपको किसे मिली कितनी वोटें। महाराष्ट्र विधानसभा में जब स्पीकर को लेकर वोटिंग हुई तो शुरुआत से ही बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने बढ़त बना ली, जिसके बाद उन्होंने कुल 164 वोट पाकर जीत हासिल की। बहुमत के लिए उन्हें 144 वोटों की जरूरत थी। वहीं एमबीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए राजन सालवी को कुल 107 वोट मिले। बस बात ये रही कि एमएनएस की तरफ से भी बीजेपी उम्मीदवार का वोट किया गया। वहीं सपा के 2 विधायकों और एआईएमआईएम के विधायकों ने वोट करने से इनकार कर दिया। सीपीआई के विधायक विनोद निकोले के एमबीए के पक्ष में मतदान किया। स्पीकर के चुनाव से मिली जीत के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जय शिवाजी, जय श्री राम और जय भवानी के नारे लगाए। साथ ही सभी ने एक दूसरे की जीत की बधाई दी। दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे साथ नजर आए। विधानसभा में वोटिंग के दौरान कई विधायक नहीं पहुंचे थे, जिनमें एनसीपी के नवाब मलिक, अनिल देशमुख, नीलेश लंके, दिलीप मोहिते, दत्तात्रेय भरणे, अपन्ना भंसोड़े, बिंदादा शिंदे थे, जो किन्हीं कारणों से विधानसभा नहीं पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस की ओर से प्रणीति शिंदे भी आज विधानसभा में मौजूद नहीं थी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। धन्यवाद।